अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है बिहार के गर्दनी बाग में बन रहा बापू टावर। चलिए आज इस वीडियो में दिखाते हैं आपको बापू टावर क्या है और अंदर से कैसा दिखता है और ये कब उद्घाटन होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मेन गेट होगा बापू टावर के अंदर जाने का, गर्दनी बाग में है। उसके बाद अंदर जाते ही आपको सबसे पहले 250 गाड़ियों का पार्किंग देखने को मिलेगा। इसके बाद आप अंदर चल के जाएंगे तो ये गुंबदकार बिल्डिंग के ठीक सामने में यहाँ पे गेट दिया गया है। इस गेट से अंदर आने के बाद आपको दिखाई देगा कि कैसे ये बिल्डिंग में हर तरफ तांबा का यूज़ किया गया है। तांबा से इस बिल्डिंग को बनाया गया है, उसके बाहरी लेयर को। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद आपको ये शीशा जो दिख रहा है, इसके अंदर आपको लिफ्ट बनाया गया है। यहाँ टोटल 4-4 लिफ्ट दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं आपको 1, 2, 3 यहाँ पे हैं और 2 साइड कॉरिडोर में लगाए गए हैं, जिसके थ्रू आप बापू टावर के ऊपरी सिरे पर जा सकते हैं। चूँकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लिफ्ट चालू नहीं है, इसलिए हम लोग सीढ़ी से आ गए और सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए ये कॉरिडोर का लिफ्ट है। यहाँ से आप उतरेंगे तो इस रास्ते से अंदर जाएंगे, इधर बाथरूम बनाए गए हैं और मेन कॉरिडोर ये रहेगा आपका, जहाँ से बापू टावर में अंदर गुंबदकार बिल्डिंग के में जा सकते हैं। और बाएँ साइड में आपका लिफ्ट होगा और ये रास्ता जो दिख रहा है यही है गुंबदकार बिल्डिंग के अंदर जाने का। आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर भी कैसे लिफ्ट लगाया गया है। G+6 फ्लोर का ये बिल्डिंग है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक सारे का कंस्ट्रक्शन एक जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ आपको घूमने के लिए पहले 1 से लेकर 6 फ्लोर तक ऊपर जाना होगा और उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे आना होगा जो गुंबदकार बिल्डिंग है उसके थ्रू। चलिए दिखाते हैं। सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यही गुंबदकार बिल्डिंग होगा, जहां आप सीढ़ियों के सहारे नीचे जाएंगे और दीवारों पे अलग अलग पोस्टर, लाइटें और 3D वॉल पेंटिंग के थ्रू आपको दिखाया जाएगा कि कैसे बिहार से क्या नाता है गांधी जी का और कैसे सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने किया था, कैसे भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, कैसे बिहार यात्रा पे सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाया जाएगा। उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक की सारी जानकारी यहाँ दी जाएगी और बीचों बीच में जो आप एक खाली हिस्सा देख रहे हैं गुंबदकार बिल्डिंग के नीचे, वहाँ पे बापू का एक बड़ा सा स्टैचू भी लगाया जाएगा जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ शॉपिंग सेंटर आपको देखने को मिलेगा, 200 लोगों के लिए बहुत देशीय सभागार, ओरिएंटल हॉल, रेस्टोरेंट और अनुसंधान केंद्र, प्रशासनिक भवन जैसे सारी सुविधाएं यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये बताया जा रहा है कि आने वाला 1 फरवरी को इसका उद्घाटन हो सकता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन कर सकते हैं। जो भी हो, हम इसकी जानकारी आपको पूरा डिटेल में आने वाले समय में ज़रूर देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। धन्यवाद।